प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर जी। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप इंटरनेशनल सिनारियो देखें, डोमेस्टिक सिनारियो देखें, फिलहाल कल मार्केट की चाल कहां जाती हुई दिखाई दे रही है सर आपको? मुझे लग रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में जो थोड़ा बहुत नेगेटिव सरप्राइज आया है दीपक, वो फिस्कल स्टिमुलस को लेकर आया। अभी ऐसा माना जा रहा है कि फिस्कल स्टिमुलस का जो पैकेज है वो यूएस इलेक्शंस के बाद ही आएगा, तो थोड़ी बहुत नरमी आपको शायद यूएस मार्केट से शायद आज शाम को देखने को मिले। लेकिन ओवरऑल जो यूएस का जॉब डेटा है वो उम्मीद से काफी बेहतर आ गया है। और अगर हम इंडियन मार्केट्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली मार्केट्स क्वार्टरली रिजल्ट जो कंपनीज कल अनाउंस करेगी उसके ऊपर उनकी नजर रहेगी, तो ज्यादातर हमारा मार्केट्स गिरेगा नहीं, करेक्ट नहीं हुआ, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी ज्यादा होगा। और मुझे लग रहा है इन्वेस्टर्स को भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे ही अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये क्वार्टर टू का अर्निंग सीजन है और जहां पे भी अच्छे नतीजे आएंगे वहां पे डेफिनेटली आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ऑलराइट सर, और इस पूरे सिनेरियो के बीच में पोजिशनल ट्रेड के लिए आपके पिक क्या है सर? किसी को कुछ खरीदना हो तो आप कौन सा शेयर रेकमेंड करेंगे? दीपक, हमको मेटल स्पेस में टाटा स्टील पसंद है। टाटा स्टील हमको लग रहा है काफी अच्छे नतीजे दिखाने की काबिलियत रखता है क्वार्टर टू के लिए। ऑलरेडी हमने देखा है कि मेटल की चाल अभी काफी स्टॉक्स पे देखने को मिली है, और यहाँ पे अगर कोई इस लेवल से भी खरीदता है तो हमको लग रहा है 8 से 10 दिन में कम से कम 422 423 का लेवल पॉसिबल है। यहाँ पे 405 का स्टॉप लॉस रखिए और ये एक अच्छा विकल्प 8 से 10 दिन के लिए पोजिशनल ट्रेड के लिए बन सकता है, तो ये डेफिनेटली एक अच्छा ट्रेड मेटल पैक में से। ऑलराइट सर, अविनाश जी के पास फटाफट से चल लेते हैं क्विक रिएक्शन के लिए। अविनाश जी, अनुमान तो मुनाफे में बढ़त का है, आपको क्या लगता है सर कल जो नतीजे आने के बाद स्टॉक का मूड कैसा रह सकता है? मुझे लग रहा है कि दीपक नतीजे तो काफी अच्छे आने की उम्मीद है, क्योंकि डिस्पाइट द फैक्ट कि इनके रॉ मटेरियल कॉस्ट थोड़े से बड़े हैं, इनके पास काफी सिग्निफिकेंट प्राइसिंग पावर है और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में तो इनके काफी अच्छा मार्केट शेयर कमांड करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि नतीजे डेफिनेटली ठीक ठाक आएंगे। लेकिन जो मैनेजमेंट की कॉमेंट्री रहेगी वॉल्यूम ग्रोथ के ऊपर, एक्सपांशन के ऊपर और प्री कोविड के हिसाब से इन्होंने कैसे प्लांट को यूटिलाइज किया है, ये सारी बातों पर मार्केट्स की नजर रहेगी। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि कल रिजल्ट अच्छे आने के बाद और कमेंट्री अगर और भी अच्छी आती है होपफुली आने वाला सेकंड हाफ के लिए FY20 के लिए, तो यहां पे और बढ़त देखने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टर्स को ये स्टॉक 3 या 6 महीने का व्यू लेके नहीं, बट कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया लेके, क्योंकि यहां पे ग्रोथ पोटेंशियल आने वाले 1-2 साल में काफी बढ़िया है। तो टिपिकली एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, कोई भी गिरावट आती है तो इसको खरीदना चाहिए। ऑलराइट, तो अनुमान तो पॉजिटिव का है फिलहाल, लेकिन आपको मैनेजमेंट के कमेंट्स पर भी ध्यान रखना है और उसके बाद आपको अविनाश जी के जो सलाह है उसको फॉलो करना है। आई थिंक टायर टू आईटी कंपनीज में ये बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है, और जैसे कुशल ने कहा कि जो 5G का आउटलुक है और जो 5G की पाइपलाइन है वहां पे मार्केट्स की नजर ज्यादा रहेगी। हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी फ्लैट होने की संभावना है, लेकिन डॉलर आय अगर 2.5% बढ़ती है तो वो एक अच्छी बात है, लेकिन मार्केट्स डेफिनेटली वॉच करेगी कि फ्रेश ऑर्डर पाइपलाइन कितनी स्ट्रांग है, कितने नए ऑर्डर आए हैं और 5G को लेकर क्या पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि यहाँ पे जो टेक महिंद्रा की वर्टिकल स्ट्रेंथ है वो काफी स्ट्रांग है। और हमको लग रहा है कि ये अगर पॉजिटिव मैनेजमेंट कमेंट्री आती है तो इस लेवल से भी दीपक थोड़ा सा अपसाइड पॉसिबल है, तो यहाँ पे जिन्होंने इन्वेस्ट किया है वो होल्ड करें और मेरे ख्याल से नए निवेशकों को मैनेजमेंट कमेंट्री कल अवेट करनी चाहिए। ओके, नए निवेशकों को मैनेजमेंट कमेंट्री तक का इंतजार करना होगा, ये फिलहाल सलाह है अविनाश जी की। अविनाश जी लगातार बने हुए हैं। अविनाश जी, पोजिशनल ट्रेड पर हमने बात की, लेकिन आपने एक लॉन्ग टर्म पिक भी बता दीजिए सर, नजरिया अगर थोड़ी लंबी अवधि का हो तो फिर आपकी रिकमेंडेशन क्या है? दीपक, लॉन्ग टर्म के लिए हमको नोसिल पसंद है। ये बेसिकली कंपनी है जो रबर केमिकल्स में एक बहुत बड़ी मार्केट पोजीशन कमांड करती है, करीबन 40-45% का मार्केट शेयर कमांड करती है और ज्यादातर टायर कंपनीज और स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज को अपना प्रोडक्ट सप्लाई करती है। हमको लग रहा है कि जिस प्रकार की तेजी टायर स्टॉक्स में देखने को मिली है और जिस प्रकार का वॉल्यूम डेटा टू व्हीलर एज वेल एज पैसेंजर कार्स में दिख रहा है, स्पेशली मारुति के नंबर से, तो ये लग रहा है कि इनका आने वाला जो सेकंड क्वार्टर रहेगा वो काफी मजबूत रहेगा। और जो सबसे बड़ी बात है, कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है और कंपनी ने करीबन 450 करोड़ का एक्सपेंशन पिछले 12 से 18 महीने में कंप्लीट किया है और इसका भी बेनिफिट कंपनी को मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि इस लेवल से निवेशकों को ये प्राइस से गेन करना चाहिए और स्लोली स्लोली एक्यूमुलेट करना चाहिए। करीबन 6 से 8 महीने में हमको लग रहा है करीबन 175-180 का टारगेट प्राइस मिल सकता है, तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है मिड कैप स्पेस में, जहां पे हमको लग रहा है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजिशन काफी स्ट्रांग है और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देने की कैपेसिटी रखता है।